बाद दिल्ली में जो सियासत हुई वो भी दिखा देते हैं आपको। खनन लीज पर उठा सियासी बवंडर थमता नजर नहीं आ रहा है। सीएम ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आरोप लगाने वाले खुद वकील और जज बन गए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि 2029 तक बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। एक रिपोर्ट है, देख लीजिए। खनन लीज मामले पर बीजेपी पर भड़के सीएम। आरोप जिनने लगाया है अभी तो वही कोर्ट बने हुए हैं, वही वकील बने हुए हैं, वही पिटिशनर बने हुए हैं, वही जज बने हुए हैं। अब क्या जवाब देना है? जवाब जहां देना है वहां दिया जाएगा ना। काम करने नहीं देना चाहती है बीजेपी। ये चाहते नहीं कि कोई काम करे। इनकी नैया तो डूबी गई, ये चाहते हैं कि हम तो डूब गए, इनको भी डुबा के चलते। सरकार बनाने के लिए कहां से विधायक लाएगी बीजेपी? कहां से? दिल्ली से लेके जाएंगे क्या विधायक? राज्यसभा, राजस्थान ले रहे, कहां? गुजरात से लाएंगे, कहां से लाएंगे? झारखंड को बकाया राशि दे केंद्र सरकार। 1,36,000 करोड़ रुपए। तो क्या सत्ता केंद्र सरकार आपके साथ? अभी और भी आ रहा है वहां से मांग पत्र हजारों करोड़ का। राज्यसभा चुनाव पर सीएम ने नहीं खोले पत्ते। 2 महीना बाकी है यार, 2 महीना का सवाल आज ही, 2 महीने के बाद आओ तैयारी बात तो, करेंगे तैयारी तो करनी। अरे तैयारी वारी सब पुख्ता है, उसकी बात नहीं। जब आएगी विषय तब, जब क्लास जिस पीरियड का होगा उस समय उस क्लास में जाना चाहिए उस, या उस शिक्षक को आना चाहिए। आप पहले ही आ जाते, कहां से हम जवाब देंगे? खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि आरोप लगाने वाले ही वकील और कोर्ट बन गए। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक राजनीति करने की अपील की। आरोप जिनने लगाया है अभी तो वही कोर्ट बने हुए हैं, वही वकील बने हुए हैं, वही पिटिशनर बने हुए हैं, वही जज बने हुए हैं। अब क्या जवाब देना है? जवाब जहां देना है वहां दिया जाएगा ना। ये चाहते नहीं कि कोई काम करे। इनकी नैया तो डूबी गई, ये चाहते हैं कि हम तो डूब गए, इनको भी डुबा के चलते। सत्ताधारी दल लगातार बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बैकडोर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश का भी आरोप लग रहा है। लेकिन सीएम ने दो टूक कहा है कि सरकार बनाने के लिए आखिर बीजेपी कहां से इतने विधायक लाएगी? कहां से? दिल्ली से लेके जाएंगे क्या विधायक? राज्यसभा, राजस्थान ले रहे, कहां? गुजरात से लाएंगे, कहां से लाएंगे? राजेश ठाकुर ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की दाल नहीं गलेगी, 2029 तक सरकार चलेगी। तो सकारात्मक तरीके से जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जनता उनको भी कभी सर माथे पे बिठाएगी। फिलहाल 2029 तक उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वही सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता ने हेमंत को सीएम बनाया है, इसलिए सीएम को जनता की अदालत में सफाई देनी होगी। उन्होंने लीज लिया, लीज पर लीज लेने के लिए आवेदन दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, सांसद, विधायक ने कोई लीज लेने का एप्लीकेशन नहीं दिया था। उनकी पत्नी के नाम पर आवंटन हुआ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की ओर से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से उनकी पत्नी ने आवेदन दिया था। उनके साली ने जमीन आवंटित किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने। इसी प्रकार से उनके प्रेस सलाहकार ने जो जमीन लिया, लीज लिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया था बल्कि स्वयं। उसी प्रकार से उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र जी ने लीज लेने का काम किया, खान का पट्टा लेने का काम किया, वह भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एप्लीकेशन में सिग्नेचर नहीं किया। दुर्भाग्य इस बात की, राज्य की सरकार स्वयं आज अपने आप को हाशिए पर खड़ा किया है, इसलिए आज की परिस्थितियों के लिए स्वयं दोषी है। खनन लीज को लेकर सियासी बवंडर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी, लेकिन नजर चुनाव आयोग और कोर्ट के फैसले पर टिकी है। न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से अमन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।